जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय आज SNMMCH में इलाजरत मारपीट में घायल हुई नीरा देवी में से ससुराल की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान सरयू राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीरा देवी उनके पति डोमन महतो जिन्होंने एक केस में कोर्ट में गवाही दी थी जिसका प्रतिकार हुआ है, उनके परिवार को मारा पीटा गया, उनके फसल को नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार से कहा है कि वे सुरक्षा के लिए न्यायालय में पिटीशन दायर करें। उन्होंने कहा यह एक गंभीर विषय है, सांसद झुलुम महतो के विषय में अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। पार्टी के नेताओं ने से कहा कहना चाहते हैं कि वे टीम बनाकर पूरे मामले की जांच करें। साथ ही पीड़ित परिवार को भरोसा दिया है कि उनकी बातों को अगर गृह मंत्री अमित शाह PM नरेंद्र मोदी तक पहुँचानी है तथा न्यायालय में अपनी बात रखने में किसी तरह की मदद चाहिए तो उन्हें पूरा मदद मिलेगा। मारपीट हुई थी महिला नीरा देवी, आप मुझे अभी क्या कंडीशन है, आगे आप किस तरीके से मदद? नहीं, बहुत चोट है, स्थिति गंभीर है और ये कोई जमीन विवाद का मामला नहीं है। ये डोमन महतो न्यायालय में एक केस में गवाही देने आए थे, गवाही से रोका जा रहा था, न्याय के लिए उन्होंने गवाही दिया, इसका प्रतिकार हुआ है। भिंडी की सरसों की फसल ऐसी लगी हुई जैसे पंजाब की खेती हो, उसको बुलडोजर से तोड़ दिया, उनकी दुकान को तोड़ दिया। तो मैंने सलाह दिया है कि आप न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल करिए कि भाई हम गवाही आपके यहाँ देने आए, हमारे साथ ऐसा हुआ, और भी गवाह एक महिला बता रही थी, उसको भी 26 जुलाई को जाना है, तो गवाहों को सुरक्षा प्रदान करे न्यायालय ताकि ये बिना भय के गवाही दे सके। तो ये जो विषय है गंभीर विषय है, मैंने रांची हाईकोर्ट के वरिष्ठ क्रिमिनल वकीलों से भी बात किया है, उन्होंने सलाह दिया है कि ये एक अपना वकील रखें, सरकारी वकील तो है ही इनके साथ, और न्यायालय में एक पिटीशन दाखिल करें, न्यायालय से सुरक्षा मांगे और न्यायालय सुरक्षा के लिए निर्देश देगा प्रशासन को कि इनको सुरक्षा दीजिए। तो ये बड़ी गंभीर मामला है, ये देश की न्याय व्यवस्था पर चोट है। ये हम लोग फिल्मों में ही देखते थे कि किस तरह से जो माफिया हैं वो गवाह को रोक देते हैं, हत्या कर देते हैं, कोर्ट के दरवाजे पर खड़ा रहते हैं, तो ऐसी ही स्थिति इनके साथ भी हुई है। ये होगा तो किसी को न्याय नहीं मिल सकता है, तो कानून की रक्षा प्रशासन शासन का काम है। न्यायालय से प्रार्थना ये करें कि हमारी स्थिति को देखिए सुनिए और हमारी सुरक्षा का निर्देश दीजिए ताकि हम बिना भय के आपके यहाँ आकर अपनी बात कह सकें, केस में गवाही दे सकें। इस पर आरोप लगा ढुल्लू महतो का अब देखिए, ढुल्लू महतो जी के बारे में मैं क्या कहूँ, ऐसा क्या है जो कहना बाकी है, मगर कोई दबंगई से गरीब की आवाज बंद करना चाहेगा तो हम लोग तो उसका हल न्यायपालिका में ही खोजेंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के धनबाद के और प्रदेश के नेताओं से कहना चाहूंगा, एक टीम बनाइए, जांच करिए क्या सही है क्या गलत है। आपको अपने सांसद के साथ रहना है, खुल के खड़ा होइए कि नहीं हमारे सांसद जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, नहीं पीड़ित गरीब गुरबा उसके साथ रहना है तो आप ये बताइए कि नहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है। इस बात को हम लोग धनबाद भाजपा, झारखंड प्रदेश भाजपा तक मैं अपील करूंगा, और जरूरत पड़ी तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी उनके साथ जाकर हम लोग बात करेंगे। संसद चल रही है, संसद में उठाने का प्रयास होगा कि धनबाद को मणिपुर बनने से रोकना है तो कानून की रक्षा करने वाली एजेंसियों को सक्रिय होना पड़ेगा, गरीबों की सहायता करनी पड़ेगी, जो कमजोर है उसकी सहायता करनी पड़ेगी। मैं इनसे वादा किया है कि कानूनी लड़ाई लड़ने में आपको जो भी मेरी मदद की जरूरत होगी मैं आपकी मदद करूंगा। यहाँ वकील खड़ा करिए, हाईकोर्ट में मामला जाए वहाँ वकील खड़ा करिए, कहीं भी करिए, आपकी आवाज़ को अगर हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उन तक पहुँचाना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाना हो, हम लोग इसका उपाय करेंगे
और मैं रांची जाऊंगा तो इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जिनके हस्तक्षेप से कम FIR दायर हो चुका है। इस मामले में मैंने सीनियर SP से बात करने की कोशिश की, उनका फोन बंद आ रहा था। मैंने उनको SMS भी कर दिया, उनको WhatsApp भी कर दिया है कि मैं आया हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। उनका ऑफिशियल फोन खुलेगा, बात करेंगे। उपायुक्त से बात किया मैंने, DIG से बात किया, सभी से बात किया, और मेरा एक ही कहना है कि आप लोग संविधान में कानून की रक्षा करने की शपथ लेते हैं, वह शपथ आप कितना निभा रहे हैं ये आपकी साख कसौटी पर है। और जो थाना है बरोड़ा का, मुझे लगता है कि वो थानेदार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। तो जब थानेदार कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसके बारे में तो हम लोग सीनियर SP DIG को ही कह सकेंगे, वह काम हम लोग करेंगे। क्योंकि कोई आदमी घायल गिरा है, उसको अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था थाना नहीं कर रहा है, उसको अपने टेम्पो या कोई सवारी लेके आना पड़ रहा है, ये तो दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे थानादार के ऊपर तो विभागीय कार्रवाई आरंभ होनी चाहिए। क्या मदद चाहिए अभी आपकी जो मम्मी है उनकी? क्या मम्मी की स्थिति अभी थोड़ी दिन ब दिन थोड़ी ठीक हो रही है, लेकिन अभी भी उनका जो मतलब इंजरी हुआ है वो बहुत डीप है, उनको ठीक होने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो वही बोले कि प्रशासन से जो गवाह है उनके लिए प्रोटेक्शन मांगने के लिए, और सलाह दिए हैं बहुत अच्छा कि जाके किया जाए, प्रोटेक्शन मांगा जाए, और पहले प्रोटेक्शन पुलिस देगी, उसके बाद ही उन गवालों को कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। घटना के बाद से आप लोग किस तरीके से गांव में पिताही में किस तरीके से और लोग जाते? घटना के बाद से तो हम लोग यहीं पे हैं, हम मम्मी और पापा, हम लोग तीन ही लोग घर में रहते थे, तो हम लोग तीनों तो यही हॉस्पिटल में ही है। लेकिन मदद के वो लोग कहाँ है आपका जो मदद किए? उनको भी चोट आया था, तो वो चाची भी है, चाची को भी चोट आया था, तो इन लोग को दवा ववा लिख के दिया और इन लोग उसके बाद दवा ववा लेके और घर में थी रातों रात। तो जो हम लोग का जो फसल था, जो बचा उचा था, उसको भी प्लेन करके, जो हम लोग का वहाँ पे सामान था, कम से कम 50,000 1 लाख का सामान होगा, सबको तहस नहस करके, दुकान था, हल था, और भी बहुत सारा बारी में हम लोग का बहुत सामान था, सबको तहस नहस कर दिया गया। और वहाँ स्थिति एकदम भयावह स्थिति है, वहाँ पे जाने का इच्छा भी नहीं कर रहा है। क्या नाम है? कली कुमारी।